हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट ऑलराउंडर गेमिंग। तो आज का पहला न्यूज है असैसिन्स आर्मी के बारे में। तो बहुत ही जल्दी उनका 4 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, या फिर ये भी हो सकता है कि हमारे ये वीडियो आते आते उनका 4 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो 4 मिलियन होने पर वो कुछ सरप्राइज देने वाले है और इसके लिए वो दिल्ली भी गए है। तो आप लोग सुन लीजिए कि इसके ऊपर नैन भाई ने क्या कहा था। 4 मिलियन स्पेशल जो है वीडियो मेरे को बनाना है, ठीक है। 4 बजे मतलब मुझे बंद करके जो है जाना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। 6 बजे की फ्लाइट है आज शाम की मेरी। तो गाइज, आप लोगों के लिए बहुत ही ओपी वाला जो गाइज यहाँ पे आज होने वाला है। 4 मिलियन स्पेशल वीडियो के लिए मेरे को जाना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को सरप्राइज रखूंगा, तो मजा नहीं आएगा अगर पहले ही बता दिया। तो अभी जो है गाइज मेरे को 6 बजे जाना है, इसकी वजह से मैं आज सुबह लाइव आया। और 4 मिलियन में लाइव कर नहीं पाऊंगा, अगर मैं दिल्ली में रहूंगा तो मैं लाइव नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और गैस, आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हो और ऐसे न्यूज वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। और इसके साथ इन दिनों जो इंडिया में जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर चल रहा है, क्योंकि दूसरे सर्वर में कुछ रेयर ड्रेस और इवेंट आते हैं पर इंडिया में नहीं आते, तो इसके वजह से जो स्पैम चल रहा है उसके ऊपर नैन भाई ने रिप्लाई दिया। और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप लोग इसको छोड़ के किसी अच्छे चीज के लिए जस्टिस मांग सकते हो। तो आप लोग खुद सुन लीजिए कि इसके ऊपर उन्होंने क्या कहा था। पहले तो गाइज यहाँ पे जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर, ठीक है, वो आप लोग जिस चीज के लिए जस्टिस मांग रहे हो ना, मीन्स जो अनदर सर्वर में कपड़े आते हैं वो इंडियन सर्वर में नहीं आ रहे, या फिर गोल्ड रॉयल में अच्छी अच्छी चीजें नहीं आ रही है, ये चीज के लिए जस्टिस मांगने से अच्छा है, ठीक है। आप कुछ ऐसा करो, इस चीज के लिए मांगो कि भाई स्पोर्ट्स वगैरह के लिए मांगो, गेम प्ले सुधरे इस तरीके से मांगो, रैंक गेम में ग्लिचेस ठीक हो, मतलब कुछ अच्छी चीजों के लिए मतलब ये करो। और तुम लोग गेम गेम के कपड़ों के लिए मांगोगे तो भाई आज कपड़े नहीं आए कल को आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे गाइस, ठीक है, कल को आने ही वाले सारी चीजें आप लोगों को आएगी। मैं फ्यूचर में मेरे को लग रहा है हिप हॉप भी वापस आ सकता है, क्या चीज ऐसी होगी वो नहीं आ सकती, सारी चीजें वापस आनी है कभी ना कभी, टाइम दो करीना को, ठीक है, सारी चीजें आएगी। कपड़ों के मामले में अगर तुम लोग जस्टिस मांग रहे हो ना तो सारी चीजें आएगी धीरे धीरे, ठीक है। और दो तीन जो है अपनी गेम की मतलब दो तीन चीजें जो है वो सुधार सकते हो, अपन सब मिलकर सुधार सकते हैं, जैसे हैकर्स, ठीक है, रैंक पुश में ग्रैंड मास्टर के पास नूब लॉबी, या फिर कभी प्रो लॉबी आने के बाद में कभी कभी 13,000 या 14,000 पे रैंक गेम में यही नहीं होता है, ठीक है, 9999 लाइक्स के बाद में आगे लाइक्स हो गए ही नहीं, ऐसे दो तीन मतलब ग्लिचेस है जो अपन लोग सुधार सकते हैं, ठीक है। लेकिन कपड़ों के लिए तुम मतलब जस्टिस मांग रहे हो गाइस, ये चीज गलत है ना, और वो तो कभी ना कभी आ नहीं है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी। देखो ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारे, मैं मानता हूं कि अच्छे अच्छे इवेंट जो है दूसरे सर्वर पे चलते हैं जो इंडिया में नहीं आते, मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे इवेंट्स है जो इंडिया में भी आते हैं लेकिन उधर बाहर वाले सर्वर पे नहीं आते, समझ रहे हो गाइस, तो वो बाहर वाले बंदे थोड़ी ना जस्टिस फॉर ब्राजील, जस्टिस फॉर इंडोनेशिया ऐसे करते हैं। और इसी जस्टिस स्पैम के ऊपर देसी गेमर्स ने भी रिप्लाई दिया, और इसमें देसी गेमर्स ने यह भी कहा कि कुछ लोग अपना चैनल ग्रो करने के लिए ये सब कर रहे हैं। और इसके साथ ही कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि इंडोनेशिया में 3 रुपए में 1000 डायमंड मिलता है और इसी के वजह से भी लोग जस्टिस मांग रहे है, पर देसी गेमर्स ने 3 रुपए में 1000 डायमंड मिलने वाले बात को गलत साबित किया। और इसके साथ ही देसी गेमर्स ने इसके ऊपर क्या रिप्लाई दिया देख लीजिए। मैं आजकल लाइव स्ट्रीम देख रहा हूँ लोगों का, तुम लोग ठेस रहे, पता नहीं क्या हो गया तुम लोग को, जस्टिस चाहिए भाई, जस्टिस किस चीज पे दिया जाता है पता है तुम लोगों को, जब देश में कुछ बुरा हो, जब सोसाइटी में कुछ बुरा हो, जब बहुत बड़े लेवल पे कुछ बुरा हो, तो एकदम पब्लिक मास टुगेदर हो कि एकदम मतलब वो लोग ना कुछ जस्टिस मांगा करते हैं, ठीक है। बट वेलकम टू फ्री फायर, आलो गोल्ड में नहीं आया जस्टिस, तो एक बंदे ने इंस्टाग्राम मेरे को टैग करके गाली दे रहा था, बहुत ज्यादा बोल रहा था भाई इंडोनेशिया में 73 रुपीज में 53 रुपीज में 73,000 डायमंड मिलते हैं। मैंने बोला तो जा इंडोनेशिया तो यहाँ पर क्यों आया, जा इंडोनेशिया वहां पर जाके खेल, मैंने बोला, फिर वो और गाली दे रहा है यार। भाई देखो एक चीज बोलता हूँ, इन सब के पीछे 2-3 लोगों का हाथ होता है, उनका या तो कुछ पर्सनल बेनिफिट होता है, या तो चैनल ग्रो करना होता है, या फिर कुछ करना होता है, बेसिक सी बात है, पहले से होता आ रहा है, ठीक है। कोई किसी टॉपिक में बनाता है, वो हर एक का एक एक कंटेंट है, वो जस्टिस के लिए एक वीडियो बना रहा है, उसका वीडियो चल रहा है, कल को मेरा भी जस्टिस पर ये जस्टिस पर ये बोलने से 5-5 मिलियन व्यूज आएंगे, तो मैं भी बनाऊंगा भाई, मैं भी जस्टिस बनाऊंगा, जस्टिस फॉर अमित भाई। भाई बच्चे लोग हैं यार, छोटे छोटे बच्चे लोग, पता है ये लोग कुछ पता ही नहीं बेचारे लोग को, बोला भाई इंडोनेशिया में भाई क्या बात करता है, 720 डायमंड का 6 डॉलर, 720 डायमंड का 6 डॉलर दाम है भाई इंडोनेशिया में। भाई एक बंदा बोल रहा है कि 82 रुपए में 100 डायमंड मिलता है इंडोनेशिया सर्वर में, अरे ब्रो वो मैटर नहीं कर, इसने बोला 3 रुपए में 1000 डायमंड, भाई लिटरली इतना बड़ा डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए ना, 3 रुपए में तो नहीं मिलता है ना गाइस।
तो इसी जस्टिस स्पैम के ऊपर और भी काफी सारे यूट्यूबर ने रिप्लाई देते हुए वीडियो अपलोड किया, पर इसके ऊपर इन लोगों ने जो भी कहा उसके ऊपर आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। अगला न्यूज है किलर FF के बारे में। तो किलर ने अपने इंस्टा पे एक स्टोरी देते हुए लिखा, गाइस मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ चैनल टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, स्पोर्ट्स में भी हाईलाइट के नाम पे लड़ाई करवा देते, भाई लास्ट वार्निंग है, अगली बार से मत करना, बाकी फिर तुम्हारे ऊपर है, बेस्ट ऑफ स्पोर्ट की जगह कुछ और ही डालते। तो इसमें किलर ने किसी यूट्यूबर को वार्निंग दिया, पर आपको क्या लगता है वो किसके बारे में बात कर रहे थे कमेंट करके बताइए। अगला न्यूज है टेक्नो बंदा के बारे में। तो कल टेक्नो बंदा का यूट्यूब चैनल हैक हो गया और हैकर ने चैनल का नाम और लोगो चेंज करके स्ट्रीम भी कर रहे थे, और इसी के बारे में जानकारी देते हुए टेक्नो बंदा ने यूट्यूब इंडिया को टैग करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया। तो हमने भी उनकी इस ट्वीट को रिट्वीट कर दिया है, तो आप लोग भी जाके रिट्वीट जरूर करना ताकि उनको उनके यूट्यूब चैनल जल्दी से वापस मिल जाए, और उनका ट्विटर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बात करते हैं एक्स मेनिया के बारे में। तो कल हमने आपको ये बताया था कि एक्स मेनिया SRB टीम को छोड़ दिया है, और इसके बारे में एक्स मेनिया ने अपने इंस्टा पे स्टोरी देते हुए बताया था, पर अभी इसी के ऊपर देसी गेमर्स के तरफ से ये न्यूज मिला है कि फिर से एक्स मेनिया SRB टीम में वापस आएंगे और वो कुछ प्लान भी कर रहे थे। तो इसके ऊपर देसी गेमर्स ने क्या कहा था सुन लीजिए। भाई एक्स मेनिया लीव सर्वाइवर्स, अरे ब्रो कुछ कुछ हुआ है, डोंट वरी गाइस, जॉइन द बैटल, मैंने खेलेगा, डोंट वरी। मान्या ने कुछ प्लान किया है, तो वो बच्चा नहीं है कि ऐसा है गुस्सा होकर छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, डोंट वरी, ही विल प्ले एंड ही विल बाउंस बैक, ही विल रॉक, नो हेट टू एनीवन। और कल रोकियन RDX चैनल पे इंडिया नेपाल और पाकिस्तान का ट्राइनेशन टूर्नामेंट हुआ था, और इसमें TSG जोट की टीम चैंपियन बने, तो हमारे तरफ से उनके टीम को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगला न्यूज है टोटल गेमिंग के बारे में। तो टोटल गेमिंग का ये अफवाह फैल रहा था कि वो SA12 ज्वाइन करेंगे, और इसके ऊपर रिप्लाई देते हुए टोटल गेमिंग ने ये कहा कि असल में ये अफवाह क्यों फैला था, तो आप लोग सुन लीजिए कि इसके ऊपर उन्होंने क्या कहा। अजू भाई तुम SA12 ज्वाइन करने वाले हो? नहीं भाई, वो सिर्फ अफवाह है, हम लोग जस्ट वेलोरेंट प्ले के टाइम पे मिले थे और वेलोरेंट की ही बातचीत कर रहे थे, वेलोरेंट प्ले की बातचीत कर रहे थे, और किसी ने स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया होगा, तो कुछ वो अफवाह है, मैं SA12 ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। SA12 में ज्वाइन कर भी लेता, बट उनका कुछ अभी के टाइम में एक रूल चल रहा है कि जिसके भी माइलस्टोन हिट होते हैं ना, अचीवमेंट कुछ भी आता है, लाइक सब्सक्राइबर टारगेट कंप्लीट होता है, कुछ लाइक 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं, किसी के 2 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं, तो उन लोगों को बार बार मतलब टका करवाना रहता है। तो फिर अगर मैं SA12 ज्वाइन भी करूँगा तो फिर मैं तो टका ही टका रहूँगा, मेरे सर पे बाल ही नहीं आएंगे, तो एक वो रीज़न है, तो इस वजह से मैं SA12 ज्वाइन नहीं कर सकता, उनमें से एक रीज़न ये भी है। तो जब वो रीति रिवाज बंद होगा, हर एक माइलस्टोन पे सर मुंडवाने वाला, उसके बाद में ज्वाइन करेगा, वरना मेरा सर मुंडा हुआ ही रहेगा, क्योंकि अपना हर 15-20 दिन में कोई ना कोई अचीवमेंट आता है। तो गोल्डी भाई वो हटा दो, उसके बाद अपन कुछ सोचते हैं। बाकी है गाइस, वो जस्ट हम बेलोरिन की बातचीत कर रहे थे, बाकी कोई प्लानिंग नहीं है। अरे नहीं चाहिए क्या? तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट के बारे में। तो बिंजेट गेमिंग ने कंप्लीट कर लिया है 700 के सब्सक्राइबर, स्टार गेमर ने कंप्लीट कर लिया है 2 मिलियन सब्सक्राइबर, ऋषि गेमिंग ने कंप्लीट कर लिया है 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर, और आदिदेक ने कंप्लीट कर लिया है 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। और गाइस आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इसके साथ ही आप लोग हमारे डिस्कॉर्ड में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। तो तब तक के लिए बाय।